हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल द फूडी बिहार। तो अभी हम सोकर उठे हैं, अभी बज रहा है 12, हाँ अभी हो रहा है 12:30 और अभी बस सो के उठे और अंशिका आई और बोली दीदी बाल कटाना है, पार्लर चले। और हम सो के रेडी हो गए, कोई वो देख के बोलेगा कि हम नहीं लाए, अभी सोते उठे हैं। ना अंशिका का बाल कटा हुआ, ना जो हम सोच के आए थे वो हुआ, 2-3 पार्लर और सब बंद है। और जहाँ हम गए वहाँ लेली लोग थी। और हम आ चुके फाइनली अपने लॉज, इतना धूप में बौखने के बाद। हाँ अरे कोई काम नहीं हुआ। ये है चिकन, ये है प्याज, ये चावल और ये आया इस लड़के के टिफिन में। अरे कोई वेजिटेरियन इंसान देखेगा कितना अजीब लगेगा। ये है चिकन चावल। तो आज हम आप लोगों को मिलवाते हैं अपने लॉज के एक नए मेंबर से, अपने फैमिली के एक नए मेंबर से। आई एम वेरी एक्साइटेड, आर यू गाइस एक्साइटेड? नहीं है तो क्या हुआ, फिर भी हम दिखाएंगे, देखना तो पड़ेगा। तो आज हम आप लोगों को मिलवाने वाले हैं रानू के बच्चे से। एक और टेकन, आज हम आप लोगों को मिलवाने वाले हैं, ये ऐसा ही समझ रहे हैं आप, रानू के बच्चे से। ये छोटा बच्चा है, इसका नाम है पांडू और रानू इसका बचपन में मालिश नहीं की तो इसका जो है मुंडी ऐसे रहता है, देखिए ऐसे ऐसे ऐसे। एक्चुअली ये जो है ना, इसमें रानू बोल रही है कि किसी भी बड़े को नज़र उठा के नहीं देखना है, तो ये हमेशा अपना नज़र झुका के रखता है। कोई बात नहीं बेटा, तुम ऐसे देख लो। तो ये है रानू का बच्चा और हम इसकी मौसी, और रानू अभी नहीं है तो इसका पूरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। इसको हम प्रॉपर कपड़ा वपड़ा पहना के रखा गया है, ठीक है। अरे उधर भी देख लो इसका कान है, मेरे चोटी देखिए कितना सिमिलर लग रहा है। रानू अगर तुम ये व्लॉग देख रही हो तो आके हमको मारना मत प्लीज़। तुम देख सकती हो कि हम तुम्हारे बच्चे का कितना प्रॉपरली ध्यान रख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे लिए कुछ खाने पीने का लेते आना घर से। ओके थैंक यू। अब आप लोगों को ये व्लॉग में दिखते रहेगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि जल्दी हम और रानू तो किसका नेक्स्ट सर्जरी करवा देंगे, फिर आप लोग इसका सीधा दिखेगा, ये सीधा दिखेगा। और ये इसको अभी हम लोग धूप में लेके गए थे कुछ दिन पहले, तो इसको बहुत टैनी हो गया है, तो आप लोग देख सकते हैं इसका गला बहुत गोरा है और चेहरा बहुत काला हो गया है। तो कोई बात नहीं, इसका हम लोग जल्दी ही इसका भी इलाज करेंगे। कोई बात नहीं बच्चे, होता है ऐसा होता है। ओके बाय। अभी बज रहा है शाम का 5 और हम जा रहे हैं नीचे, हमको जाना है विशाल मेगा मार्ट और वहाँ हमको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेना है, तो मिलते हैं आपसे मॉल में। ये है अपना करूँ और ये मेरा चाबी जिसको देके जाना है। तो अब चलते हैं विशाल मेगा मार्ट। तो फाइनली मार चुके विशाल मेगा मार्ट और यहाँ पे हम देखेंगे अपने लिए टी शर्ट, जो कि हमको मेन सेक्शन में ही पसंद आता है क्योंकि 99 वाला टी शर्ट यहाँ पे मिलता है एकदम सस्ता सस्ता सुंदर सुंदर। यहाँ से सब बैग को गिरा चुके हैं यहाँ, और ये बैग आया इनको पसंद फाइनली, बहुत प्यारा लग रहा था, क्यूट सा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल द फूडी बिहार। अभी हम जा रहे क्लास, आई एम सुपर लेट, चलते हैं आते हैं क्लास से मिलते हैं। क्लास हो चुका है खत्म और अभी हमारा बना है नारियल पानी पीने। मकानों बना रहे हैं, अलावा भी कर रहे हैं।
अब 10-20 मिनट बचा है और अब वापस से रेडी होकर कॉलेज जाना है। कितना धूप है, पक जाएगा वैसे, हम पक जाते हैं। ये नहीं कि जल्दी से गर्मी छुट्टी मिल जाए। सो आई एम ऑल रेडी फॉर कॉलेज, अपना रूम वूम लॉक करके, और हम वेट कर रहे हैं कि अपना का वो भी रेडी हो गई है, बस अब उसको निकलने में जो भी टाइम है। तो आई वॉन्टेड टू शेयर समथिंग विथ यू गाइज, वो ये है कि मेरा ना आजकल स्केड्यूल जो है बहुत बिगड़ चुका है, वेदर इट बी माई स्लीपिंग स्केड्यूल, वेदर इट बी माई ईटिंग स्केड्यूल, और कुछ भी पढ़ाई का हर चीज़ मेरा ना बहुत अस्त व्यस्त हो गया है। हमको रात में नींद ही नहीं आता, सुबह हम सोते हैं 4 बजे और रात भर कुछ कहते भी नहीं, ये नहीं कुछ प्रोडक्टिव कर लें, पढ़ लिख लें, कुछ नहीं कहते हम, जस्ट टाइम फ़ोन चला, मतलब नींद ही नहीं आता। आई डोंट नो व्हाई ऐसा 1 वीक से हो रहा है मेरे साथ, बिल्कुल नींद नहीं आता, पता नहीं दिमाग में क्या क्या चलते रहते, बहुत अजीब अजीब स्केयर ही सब, यू नो, कुछ कुछ होते रहता है। फिर उनको भूख नहीं लगता, और खाते भी है तो सिर्फ बाहर का खाते हैं, कुछ हेल्दी नहीं खाते, और कितने दिन से हम अपने रूम में खाना ही नहीं बनाया, उनको नहीं पता, कभी उसके लंच में खा रहे हैं, कभी उसके लंच में खा रहे हैं, कभी उसके टिफिन में खा रहे हैं, कुछ भी, कभी बाहर खा रहे हैं, मतलब बस चलाना है काम तो कैसे भी कर लो, अभी मेरा वो स्टेज है। और बस मेरा पढ़ने का मन, पढ़ने का तो मेरा इतना भी मन नहीं करता, फिर भी कल रात में एकदम नींद नहीं आने लगा, 2 बजे तक हम ट्राई किए सोने का, तो हम 2 बजे से 5:30 बजे तक बैठ के पढ़े, कि लोग बोलते हैं ना कि बुक खोल के नींद आ जाएगा, वो ट्राई कर लेते हैं, वो भी नहीं हुआ मेरे साथ। फिर होता क्या है कि दिन में हम सोते रहते हैं, उस जगह में ना कहीं बाहर जाते हैं, ना कुछ ना ब्लॉग्स बनता है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे को सजेस्ट करो कि मैं क्या करूँ जिससे मेरे को नींद आए, अच्छा नींद आए, टाइम पर नींद आए। प्रिया दी हमको सजेस्ट करी कि जाके 11 बजे तुम बेड पे चले जाओ, 10 बजे तो तुमको, मतलब 12 बजे तक तो एटलीस्ट नींद आ जाएगा, वो भी ट्राई करनी। 1 दिन हुआ मेरे से, दूसरे दिन लेटे हुए हैं, 4 बजे तक नींद ही नहीं है। मतलब नहीं पता आप लोगों को हम ये क्यों बता रहे हैं, बट अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन है जिससे मेरा ये यू नो प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो प्लीज़ टेल मी। अच्छा बहुत बकबक हो गया, अब हो गया मेरे कॉलेज का टाइम, सो बाय। ऑल्सो वन मोर थिंग, आज हम जा रहे हैं कॉलेज अपनी न्यू बैग के साथ, तो चलते हैं कॉलेज। गाइस कितना धूप है गाइस, मैं और करिया हो जाऊंगी। सो इट्स 7:30 नाउ, और अभी हम नहा कर आए हैं, अभी शाम के 7:30 हो रहे हैं, और अभी हम आए नहा कर सर से, क्योंकि आई डोंट नो मेरे सर में क्यों एक कांस्टेंट पेन रह रहा है, पता नहीं, मतलब मन इतना अनईजी सा लग रहा है विदाउट एनी रीज़न। तो वो लगा नहाने के बाद मैं भी शायद थोड़ा बेटर फील हो, कोई चेंज नहीं, वैसे ही लग रहा है। आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ स्मॉल ब्रेक, ब्रेक इन द सेंस ये भागलपुर से घर जाकर बस घर में कुछ टाइम रहें, फिर वो कॉलेज और क्लास भी तो है ना, सब इतना लाइफ में पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आई एम सीरियसली नॉट गेटिंग, सब कुछ सही था भी अचानक से ये सब, ओह गॉड, इतनी शक्ति हमको देना दाता ये सब झेल पाए। तो अभी उठे सोकर और हमको भूख लगा हुआ था, तो पास्ता मंगवाए नीचे से, तो सोचे पास्ता बना लें, इजी पीजी पास्ता, और खा के थोड़ी देर पढ़ने बैठे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि खुद को पुश करना पड़ेगा, हर छोटे छोटे काम के लिए खुद को पुश करना पड़ रहा है, कि नहीं कहना है कहना है कहना, मतलब अंदर से जो इच्छा होता है ना, लग रहा है हर चीज़ का इच्छा ही भर गया है, कुछ कहने का इच्छा ही नहीं हो रहा। अगर आप लोगों को पता है कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है तो इसे बाहर कैसे निकला जाए, कैसे वापस से ठीक हुआ जाए, मतलब ठीक इन द सेंस आई डोंट नो, खराब क्या हुआ वो ही नहीं पता है।